नमस्ते कार, और आज हम खड़े हैं ब्रिटिश हैवी इक्विपमेंट व्हीकल के सामने जिसका नाम है JCB 3DX बैकहो लोडर। 1953 में लॉन्च हुआ था और ये थर्ड जनरेशन आप देख रहे हैं। सिर्फ डीजल में आता है, शुरू होता है 16 लाख रुपीस से और टॉप मॉडल की कीमत है 29 लाख रुपीस। और ये 3DX वेरिएंट आप देख रहे हैं जिसकी कीमत है 25 लाख रुपीस। JCB का फुल फॉर्म उसी के फाउंडर जोसेफ सिरिल बैमफोर्ड के नाम से लिया गया है, जिन्होंने 1953 में यूके में दुनिया का सबसे पहला बैकहो लोडर इन्वेंट किया था। और आज JCB के 6 लाख से ज़्यादा बैकहो लोडर दुनिया में बिक चुके हैं। लोडर बैकहो, डिगर बैकहो या ज़्यादातर सिर्फ JCB भी कहा जाता है बैकहो लोडर को। और ये फ्रंट लोडर है जिसकी पेलोड कैपेसिटी है 1800 kg। और ये फ्रंट रेडिएटर ग्रिल जिस पे है JCB का लोगो। JCB का फुल फॉर्म है जोसेफ सिरिल बैमफोर्ड, कंपनी के फाउंडर का नाम है ये। और ये लोडर के आर्म, एग्जॉस्ट पाइप, ये हेडलाइट, वाइपर, ऊपर भी लाइट्स दी गई हैं। और ये इको एक्सीलेंस का स्टिकर जिसका मतलब है बेहतर एवरेज परफॉर्मेंस, टेक्नोलॉजी और कंफर्ट। और ये 2 फुट स्टेप हैं। यहाँ पर भी स्टिकर्स दिए गए हैं कुछ। सिक्स मीटर लेंथ है, 3.6 मीटर हाइट है, 530 mm ग्राउंड क्लियरेंस है और 7500 kg कर्ब वेट है JCB बैकहो लोडर का। सिर्फ येलो कलर में ही आता है JCB बैकहो लोडर। आगे 16 इंच के स्टील व्हील्स मिलेंगे 6 बोल्ट्स के साथ। आगे ड्रम और पीछे डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे और पीछे 28 इंच के स्टील व्हील्स मिलेंगे 10 बोल्ट एक्सेल डिज़ाइन के साथ। टिंटेड कैबिन ग्लासेस हैं बेहतर विजिबिलिटी और सन प्रोटेक्शन के लिए। और ये हैं टेल लाइट, ऊपर भी लाइट दी गई हैं। इस मशीन को बैकहो लोडर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें आगे लोडर स्टाइल की बकेट और पीछे खुदाई के लिए बैकहो एक्सकेवेटर लगा है। बैकहो लोडर के छोटे साइज़ की वजह से इंजीनियरिंग और छोटे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और ये पीछे का एक्सकेवेटर बैकहो एक्सकेवेटर कहते हैं। तो इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है 1500 kg। बैकहो लोडर का ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन, छोटी तोड़फोड़, हल्का ट्रांसपोर्टेशन, खुदाई, लैंडस्केपिंग और रोड बनाने में यूज़ किया जाता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर, केमिकल्स, सॉल्ट, ऑयल और लाइट में टेस्ट करके बनाए जाते हैं JCB बैकहो लोडर। टेन लैक साइकिल के लिए टेस्ट की जाती हैं JCB बैकहो लोडर की चेसी। रियर एक्सेल की स्टैटिक लोड रेटिंग है 2500 kg। JCB लाइव लिंक टेलीमेटिक्स टेक्नोलॉजी है जो यूज़र को नोटिफाई कर देगा जब भी मशीन की सर्विस रिक्वायरमेंट होगी। रोबोट वेल्डेड सिंगल पीस चेसी है JCB बैकहो लोडर की।
आगे लोडर आर्म का EDSD एक्सटर्नल डी शेप्ड डिज़ाइन है बेस्ट लिफ्ट कैपेसिटी के लिए। 4 RAM पैरेलल लिफ्ट ज्योमेट्री है लोडर की क्लियर विजिबिलिटी के लिए। हाई हाइड्रोलिक सिस्टम प्रेशर और बड़े साइज हाइड्रोलिक सिलेंडर्स हैं बैकहो में बेहतर खुदाई के लिए। आगे सेंट्रली पाइवेटेड स्टीयर एक्सेल है और पीछे रिजिड माउंटेड ड्राइव एक्सेल है JCB मैक्स ट्रैक टॉर्क प्रोपोर्शनिंग डिफरेंशियल के साथ। और ये 3DX वेरिएंट का स्टिकर है, ये एक्सकेवेटर। JCB क्यू ब्रेक्स हैं कम ब्रेकिंग एफर्ट के लिए। आइए अब केबिन डोर्स खोल के देखते हैं। तो यहाँ डोर पे भी हैंडल दिया गया है, ये फुटस्टेप हैं, JCB की स्कफ प्लेट और AC का भी ऑप्शन मिलता है, रूफ पे AC वेंट्स आ जाएंगे। अंदर चलते हैं। तो ये शानदार सीट है, विनाइल अपॉल्स्ट्री मिलेगी, उस पर JCB का लोगो है। और ये है 3-spoke पावर स्टेयरिंग, बीच में JCB का लोगो है और स्टेयरिंग घुमाने के लिए भी नॉब दिया गया है। ये स्टाइलिश पैडल्स हैं जिसपे JCB के लोगो की इंग्रेविंग है। और ये लाइट्स और इंडिकेटर्स के कंट्रोल्स हैं, वाइपर के कंट्रोल्स हैं और ये वार्निंग लाइट्स हैं। और ये स्पीडोमीटर, यहाँ पर भी लाइट के कंट्रोल्स हैं कुछ। और ये है 4-speed JCB synchroshuttle मैनुअल ट्रांसमिशन। और ये फ्रंट लोडर का कंट्रोलर। और यहाँ पर टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन दी गई है। और ये हैंड ब्रेक है, साइड में बॉटल होल्डर और थोड़ी स्पेस दी गई है। यहाँ पर भी थोड़ी स्पेस दी गई है नीचे। और ये 12V का चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ से ऑन होगी JCB। यहाँ पर भी लाइट के कंट्रोल्स दिए गए हैं। और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो दिखाएगा इंजन स्पीड, इंजन आर्स, फ्यूल लेवल, वाटर टेम्परेचर, मोबाइल चार्जिंग और कई वार्निंग सिस्टम। ये हैंड एक्सीलरेटर है, यहाँ थोड़ी स्पेस दी गई है। और ये है रेमी का फेस फैन ऑपरेटर कंफर्ट के लिए। और ये स्पीकर्स दिए गए हैं। ये ऊपर सनग्लास होल्डर है। और ये है JVC का इंफोटेनमेंट, सपोर्ट करेगा FM, रेडियो, ऑक्स और USB। यह हैंडल बार दिया गया है। ये सर्विस बुकलेट है, मैनुअल्स हैं। और ये हैं बैकहो के सर्वो कंट्रोल्स, बैकहो एक्सकेवेटर के कंट्रोल्स हैं। और इसके नीचे स्टेबलाइजर लेग्स के कंट्रोल्स हैं। और ये विंडो खोलने के हुक्स हैं यहाँ पे।
स्टाइलिश रूफ का डिज़ाइन। यहाँ थोड़ी स्पेस दी गई है इसके नीचे। यहाँ पर थोड़ी टूल किट है। और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस दी गई है। ऊपर भी लाइट्स दी गई हैं साइड में। ये पूरी रिवॉल्व हो जाती है सीट आराम से मशीन को कंट्रोल करने के लिए। ये डैशबोर्ड। आइए अब मशीन का फुल वर्किंग देखते हैं। ये आगे की बकेट है और ये पीछे का एक्सकेवेटर। 5 लीटर डीजल में 1 घंटा तक चल सकती है JCB बैकहो लोडर। फोर व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन आता है JCB बैकहो लोडर में। आगे एक्सकेवेटर और पीछे बैकहो को हटा के कई अटैचमेंट्स के भी ऑप्शन आते हैं, जैसे स्क्वायर होल बकेट, क्विक हिच, रिपर टूथ, जॉ बकेट, डिच क्लीनिंग बकेट, जिब क्रेन और रॉक ब्रेकर। वैसे फोल्ड हो जाता है बैकहो। बैकहो एक्सकेवेटर की लिफ्ट कैपेसिटी है 1500 kg। ये स्टेबलाइजर लेग्स हैं। और ये आगे का फ्रंट लोडर बकेट, इसकी पेलोड कैपेसिटी है 1800 kg। आगे इस लोडर आर्म का EDSD एक्सटर्नल डी शेप्ड डिज़ाइन है, जिससे आपको मिलती है बेस्ट लिफ्ट कैपेसिटी। अंदर से कंट्रोल देखते हैं मशीन के। ये आगे का लोडर कंट्रोल हो रहा है इस कंट्रोलर से। ऐसे नीचे से पूरी सीट घूम जाती है, जिससे आप पीछे का बैकहो कंट्रोल कर सकते हैं।
और इन सर्वो कंट्रोल से आप इजीली पीछे के बैकहो एक्सकेवेटर को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये स्टेबलाइजर लेग्स के कंट्रोल्स हैं। आइए फ्रंट का बोनेट खोलकर देखते हैं। ये रेडिएटर है और ये है 4800 सीसी जेसीबी 448 नेचुरली एस्पिरेटेड इनलाइन 4 सिलेंडर वाटर कूल्ड ecoMAX डीजल इंजन। इसकी है 76 हॉर्स पावर, 305 Nm टॉर्क, 40 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड है और 2 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज मिलेगा 128 लीटर के फ्यूल टैंक से। एयर फिल्टर, ये फ्यूल टैंक है 128 लीटर का। ये फुली लिफ्ट हो चुकी है जेसीबी। आइए इसको नीचे से देखते हैं। आगे सेंट्रली पाइवेटेड स्टीयर एक्सल है और पीछे रिजिड माउंटेड ड्राइव एक्सल मिलेगा। 10 बोल्ट एक्सल डिज़ाइन है, ज़्यादा एक्सल व्हील डिस्क रिलायबिलिटी के लिए। 100 आवर्स तक ट्रांसमिशन एक्सल ऑयल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है बैकहो लोडर में। इंजन ल्यूब और फिल्टर्स को 500 आवर्स के बाद चेंज करना पड़ता है। हरियाणा में असेंबली होती है जेसीबी बैकहो लोडर की, जो दुनिया की सबसे बड़ी बैकहो लोडर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। पुणे और जयपुर में भी असेंबली होती है। चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, यूके, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में भी असेंबली होती है जेसीबी बैकहो लोडर की। जेसीबी आज इंडियन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मार्केट का लीडर है। हर 4 में से 3 कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जेसीबी के ही होते हैं। तो कैसी लगी आपको जेसीबी बैकहो लोडर, हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।